तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो इस सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी एक बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम पर, आप उसे अब देख सकते हैं। उसकी एक कंटिन्यूएशन तो नहीं है, मतलब इसके आगे मैंने आपसे कहा था कि मैं अहोम किंगडम पे वीडियो बनाऊंगा, पर अहोम किंगडम पर ये वीडियो मैंने बना नहीं पाया आज। उस क्योंकि जब मैं अहोम किंगडम के बारे में देख रहा था तो मैं ये एक आदमी, एक ऐसी पर्सनैलिटी के मैंने देखा। सो व्हेन आई सी हिज नेम एंड आई रिसर्च ऑन हिज नेम देन आई केम टू नो अबाउट दैट बिफोर मेकिंग अ वीडियो ऑन अहोम किंगडम फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट दिस मैन विच सिंगल हैंडेडली कैरीड द प्राइड ऑफ लचित बोरफुकान। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लचित बोरफुकान, द प्राइड ऑफ आसाम। एज वी नो दैट द अहोम्स आर द मोस्ट डेकोरेटेड एंड इफिशियंट किंगडम इन आसाम एंड ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द अहोम आर्मी। एंड नाउ यू विल इंक्वायर मी और यू कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट इन एवरी आर्मी, इन एवरी किंगडम देर इज एन आर्मी एंड इन एवरी आर्मी देर इज एन कमांडर इन चीफ। सो वॉट इज स्पेशल इन दिस मैन? सो द स्पेशलिटी अबाउट दिस मैन दैट ही सिंगल हैंडेडली ऑन हीज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ड्यू टू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड डिफीटेड द माइटी मुगल्स, द मुगल आर्मी वेन दे ट्राइज टू सीज द असम फ्रॉम अहोम किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लचित बोरफुकान, हु इज ही? सो लचित बोरफुकान, ही वॉज बॉर्न इन 24 नवंबर 1622 इन चाइडियो असम एंड ही डाइड ऑन 25 अप्रैल 1672 इन जोरहट, दैट्स ऑल्सो इन असम। सो दिस वॉज हिज लाइफ स्पैन। नाउ व्हाट वॉज हिज रैंक इन द होम आर्मी? सो ही वॉज रैंक्ड बोरफुकान। सो दिस वॉज ए नेम ऑफ ए रैंक, लाइक टूडे द CDS वॉज इन रैंक, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो इन दैट टाइम इन अहोम किंगडम देर वॉज रैंक ऑफ बोरफुकान विच मीन्स कमांडर इन चीफ। यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड बिकॉज दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्ड, बट यू कैन अंडरस्टैंड कमांडर इन चीफ यानी कमांडर ऑफ द अहोम आर्मी। नाउ सो वॉट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन एंड वाई ही इज कंसिडर्ड एज प्राइड ऑफ असम? He is considered as pride of Assam because he defeated the Mughal army in the Battle of Saraighat. So what Battle of Saraighat? So the date of the Battle of Saraighat is 1671. Now what is the exact date that no one knew, because the exact date was not discovered by the historians. So date you can remember only year, in 1671. So he fought his war, last war, that is Battle of Saraighat, 1 year before his demise or death. What was the location of war? The location of war was Brahmaputra river at Saraighat, Assam. At Saraighat, it falls in Assam, and on the bank of Brahmaputra river this war was fought. This war was fought between Ahom kingdom and Mughals. The Mughal army was led by the King of Kachhawa, Ram Singh First. Here I have written his name, Ram Singh First. So I am telling you that this battle was Battle of Saraighat, and the Mughal army was led by the Kachhawa King Ram Singh First. And Ahoms were weaker in that war. That means that the Ahoms were although weaker, but they defeated Mughals. You can understand the weakness because Ahom the army was half than the Mughals. Let's see that strength. The Mughal army was 1 lakhs and the Ahom army was consisted of 36,000 men, army men, and 18,000 archers and some 2 to 8,000 swordsmen. So it consists of 54 or in roughly 55 to 56 thousand, and the Mughals consisted of 1 lakh, so roughly double.
बट दे डिफीटेड मुगल आर्मी बाय द ब्रिलियंट यूज ऑफ टेरेन इंटेलिजेंस एंड ब्रिलियंट यूज ऑफ टेरेन इंटेलिजेंस एंड एंड देयर गुरिल्ला वॉरफेयर यू नो. Now, the result was in Ahom victory and they retake Guwahati from Mughals. Why I am telling that they retake Guwahati from Mughals? Because in a brief phase, the Mughals ruled Guwahati. In 1615, where the first Ahom-Mughal war take place. And after that, the series of conflicts between Ahom and Mughals take place. After that, a treaty was signed between Ahom and Mughals that decided the boundary between Ahom kingdom and Mughal kingdom. Barnadi River and south, but that treaty also ensured that the Ahoms will not interfere in Mughals administration, and then again, and by benefiting of that treaty, the Mughals defeated King of Cochin, and they established their rule on Guwahati in Hazo. But after that, in this war, they retake Guwahati from Mughals, which Ahom kingdom. So he was the ruler. He was not the ruler, but he was the commander in chief. He was the main person. By his brain, the Ahoms defeated Mughals. Who man? Lachit Borphukan. So, you know that in this war was quite a modern war, interestingly, because on one interesting fact about that after when the Ram Singh army was defeated, means that Mughal army was defeated, so he played a trick on Lachit Borphukan. What did he do? He wrote a letter, tied it with an arrow and sent to the king of Ahom kingdom. In this letter, it is stated that the Lachit Borphukan had taken 1 lakh gold coins and several other gifts from the Mughal kingdom to give Guwahati and to betray his own king Ahoms. But that was a complete lie. Lachit Borphukan was a very honest man. He didn't do that. But after that, the Ahom king received that letter. He doubted the patriotic feeling of Lachit Borphukan. But then came the role of the Prime Minister of Ahom Kingdom. He convinced the king that this was a trick to trap Lachit Borphukan and to win the war against Ahom Kingdom. The king was then convinced and he allowed Lachit Borphukan to fight the war, and after that Lachit Borphukan wreaked havoc on Mughal army and they are defeated, and after their defeat on the hands of Ahom army, they go past the Brahmaputra river. So that was the Battle of Saraighat. There are many other legacies of Lachit Borphukan, he was the pride of Assam, and he was, is and will be the pride of Assam, and that's why the government of India also recognized it. In every year on 24 November in Assam, Lachit Divas on his name is celebrated. Lachit Borphukan gold medal was given to best cadet of NDA every year. This from 1999 se lekar abhi tak jo NDA ka National Defense Academy, jo National Defense Academy jahan se force ke jitne bhi army, air force, navy ke candidates aate hain, cadets, unke jitne bhi NDA ke log hain, unke best cadets ko Lachit Borphukan gold medal diya jata hai लचित बर्फुकैन के नाम पर. अच्छा, उसके बाद महावीर लचित अवार्ड दिया जाता है नोटेबल पर्सनैलिटी ऑफ असम को. इट इज गिवेन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज लचित बर्फुकैन्स मैदम. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द रिमेम्बरिंग ऑफ लचित बर्फुकैन इन वेयर ही डाइड इन जोरहट असम. नाउ इट इज सिचुएटेड लचित बर्फुकैन्स मैदम इट्स सिचुएटेड 8 kilometers far from the famous Hulunakpar Gibbon Sanctuary. In 1672 it was situated when he died.
एंड हियर ओनली हियर इज द प्लेस वेयर द लचित बोरफुकन लास्ट रिमेन्स वेयर ब्यूरिड, मतलब लचित बोरफुकन की जो आखिरी अस्थियाँ थी उनके डेथ के बाद वो यहीं पर रखनाई गई थी। कहाँ पर लचित बोरफुकन मैडम, कहाँ पर है ये? जो फेमस गिबन सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे 8 किलोमीटर अवे दूर पे, जोरहाट आसाम में। जोरहाट एक जगह का नाम है आसाम में वहाँ पे। तो ये थी लचित बोरफुकन की लेगेसी, मतलब मुगल जैसे सेना को, मुगलों की, और मुगलों के आधे सेना होने के बाद, मतलब उनके पास 1 लाख सैनिक थे, इनके पास 50,000, फिर भी उनको बुरी तरह से हराया। ये लेगेसी थी, और इस लेगेसी को ही कैरी किया है इन्होंने। लेकिन इस लेगेसी को इनके जो कज़न ब्रदर थे उन्होंने थोड़ा सा अंडरमाइन किया, क्योंकि जब ये मर गए तो उनके कज़न ब्रदर आए, उस कज़न ब्रदर ने मुगलों के साथ संधि करके गुवाहाटी मुगलों को दे दिया। तो ये एक प्रकार का बिट्रेयल ही था, ऑलमोस्ट बिट्रेयल, लेकिन उससे इनकी लेगेसी कम नहीं होती है, और इसलिए उसको याद नहीं रखा जाता है, इसको याद रखा जाता है। मेरे को तो उसका नाम भी नहीं याद है, लचित बोरफुकन। मतलब असम में एक सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज़ में एक हैं, जैसे नेशनल में सबसे बड़े पर्सनैलिटीज़ में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से असम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो लचित बोरफुकन, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ कंसीडर्ड एज एन प्राइड ऑफ असम। और देन अहोम्स ही कैरीड इट। एक और इंसिडेंट था उस युद्ध लड़ाई में कि जब राम सिंह जब युद्ध में हार गए थे, अचानक राम सिंह ने मुगल सेना को मोटिवेट करके और ऑफेंसिव अटैक चालू किया, जिसकी वजह से मुगल थोड़े देर तक अहोम पर हावी थे। और उस समय दुविधा ये थी कि जो लचित बोरफुकन थे वो घायल थे और वो युद्ध में नहीं थे, तो उस समय लग रहा था कि अहोम किंगडम हार जाएगी। तो देन ही गॉन, मतलब ऑन दैट कंडीशन ऑफ इलनेस, डिस्पाइट दैट ही गोज इन टू द बैटल फील्ड, ही मोटिवेटेड द अहोम्स, डिस्पाइट ही इज नॉट इन कंडीशन ऑफ फाइटिंग द वॉर, ही मोटिवेटेड द अहोम्स सैनिक्स and told him that the king had given him the responsibility to protect the children's homes. So, shall I die with that children's into the river? That motivated the Ahom Sainiks and they retreated Mughal's offensive attack and they crushed Mughals. The Mughal army, then the Ram Singh pushed for treaty, for peace, but the Lachit Borfukam and the Prime Minister that protected him from the Ram Singh's conspiracy, and then they opposed to that, and the Mughals were crushed in this war. So there are many other regions of terrains of extraordinary brilliance from Lachit Borfukam and the Prime Minister of Ahom Kingdom. His name was Aton Burguin, like that. So Battle of Saraighat was his main achievement, and he was remembered for defeating Mughal army in Battle of Saraighat and recapturing of Guwahati. So that was about Lachit Borfukan. Now, so then I will end my video. I will conclude my video here only. You shall, if you want to study more about Lachit Borfukan, you can study. But in this video I have completed everything. If you want to study about, yes, but if you want to study about Battle of Saraighat, so you can study from internets, because in internet Battle of Saraighat, information about Battle of Saraighat was given very deep, and I like that information. So I have shared some part of that information to you, some important points of the war. But if you want to know full story, what had happened, retake of Guwahati, what was the background of war, why, when the Mughals take Guwahati, when the Ahoms retake Guwahati from them, then what were the Mughals' offensive action, what was the conspiracy of Ram Singh to trap Lachit Borfukan, what did the role of Prime Minister of Ahom Kingdom to protect Lachit Borfukan and his kingdom, and why the his cousin brother undermine his legacy. So therefore I will conclude my video. You should like, subscribe and share my videos, this video also and my past videos also. So thanks for watching and keep watching. Thanks.